अच्छा जी, आज हमने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाया जो 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 मौजूदा इस मुल्क के मसले मसाइल है उनके ऊपर बातचीत की। मस्तूम के ऊपर जो ये हमला हुआ और आज हमें गवादर का, उसकी हमने उनके लिए दुआ भी की और अफसोस जाहिर किया और मजम्मत की। और हमने फैसला किया है कि 11 जून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, उसके लिए जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्रूव करवा लिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से। और उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उसकी हमने रेजोल्यूशन वो आज अखबारों को दे दी है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हक है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अभी तक ना गवर्नमेंट में उसमें उसको इंटरेस्ट है और ना ही इलेक्शन कमीशन को इंटरेस्ट है। तो इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वापस जाने का, आज हमने रेजोल्यूशन पास किए इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स। ट्यूसडे को है पार्लियामेंट्री की इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग, हम अपनी तहरीक इंसाफ अपनी उधर तजवीज़ें रख रही है और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि अगर ये ना एक्सेप्ट की गई, जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कमेटी है अगर उन्होंने ना ये एक्सेप्ट की तो फिर हम सोचेंगे कौन से और फोरम्स पे जाना, क्योंकि हमने 2018 का इलेक्शन बिल्कुल वैसे नहीं होने देना जो कि 2013 का इलेक्शन हुआ था जिसमें सारी पार्टीज ने कहा था धांधली हुई। इस बार ये हम इलेक्शन की इंतज़ार नहीं करेंगे कि बाद में जाके शोर मचाएं, इलेक्शन से पहले हम तजवीज़ें देंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो ताकि सारों को एतमाद हो अंपायर्स के ऊपर, न्यूट्रल अंपायर्स के नीचे इलेक्शन हो जो कि 2013 का इलेक्शन नहीं था। जी जो 22 तारीख को मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट में है जेआईटी का जेआईटी की जो तहकीकात होंगी वो 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी, तो उसमें हम सबको पता चल जाएगा और हम सब उसको देखेंगे क्योंकि सारी कौम देख रही है अब जेआईटी की तरफ, क्योंकि सारी कौम ने फॉलो किया पैनामा लीक्स को सुप्रीम कोर्ट में। अब सब कौम इंतज़ार कर रही है कि जेआईटी के अंदर क्या किस किस्म की तहकीकात का अभी तक क्या नतीजा आया है। वो ओपन होनी चाहिए, ओपन इसलिए होनी चाहिए कि जब सारी कौम को पता चले तो फिर स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लोज डोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जिस तरह सेनेट की, बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाना चाहता था कि सेनेट की जो हेयरिंग्स होती हैं वो ओपन होती है, मीडिया के सामने होती हैं, लेकिन अगर वो जेआईटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सामने नहीं आ सकती, कम अज़ कम 2 हफ्ते के बाद पूरा हम सारे मीडिया, हम सब के सामने हमें पता चलना चाहिए कि क्या अभी तक क्या पेशो रफ्त हुई है। मतलब न्यूज़ लीक का अंजाम आपकी तवक्कात के मुताबिक हुआ है, डॉन लीक का जो अंजाम है और क्या तरीके इंसाफ मुतमईन हो गए सेटलमेंट के बाद? देखिए जो डॉन लीक है, मैंने कल जलसे में इसकी काफ़ी तफसील से बात की थी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ये गवर्नमेंट और फौज के बीच में नहीं है, क्योंकि जब नवाज शरीफ काला कोट पहन के मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे तो तब भी वो कह सकते थे कि जी गवर्नमेंट और फौज के बीच में है, लेकिन वो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू था और नवाज शरीफ ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस उठाया था और वो बिल्कुल मेमो गेट वही है जो कि डॉन लीक्स है, कि पाकिस्तानी फौज को बाहर ये तासुर दिया, बल्कि ये उससे भी बुरा है, ये उससे बुरा इसलिए है कि वहाँ तो ये कहा गया था मेमो गेट में कि हुकूमत कह रही थी हमें फौज से बचाओ, अमरीकनों को कह रही थी, ये तो वो क्या जबान इस्तेमाल की है मेमो ये डॉन लीक्स में जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है और सारी पार्टीज चाहती हैं कि पार्लियामेंट के सामने ये रखा जाए कि ये तहकीकात ये जो भी जो बनी थी कमीशन उसकी क्या फाइंडिंग्स है, वो सारी कौम देखना चाहती है। ये नून लीग का एक और झूठ है, सारे मेरी जितने भी मेरी जो एसेट्स हैं सारी, इन सबको पता था 2011-12 में मेरी
वेबसाइट के ऊपर सारी एसेट्स मेरे डिक्लेयर्ड थे, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सारी मनी ट्रेल होगी, हमने सुप्रीम कोर्ट में दी है सारी मनी ट्रेल, पैसा किधर से आया, किधर से फ्लैट्स खरीदे, बेचा कब, कितने के बेचे, पैसे पाकिस्तान कैसे आए, मनी ट्रेल, और कोई कतरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जब भी ये हेयरिंग शुरू होगी इंशाल्लाह जब भी, तो मैं आप देखेंगे कि इन्होंने एक साल से लोगों को कैसे धोखा दिया है। सीधी सीधी चीज़ थी, बता देते कि जनाब पैसा किधर से आया, कौन है बेनिफिशरी ओनर वो कंपनीज़ का, वो जो नीलसन और नेस्कॉल है। अभी तक तोता मैना की कहानी सुनाई गई है, सच एक होता है और वो आज सुप्रीम कोर्ट के पास पता है, दिसंबर से इलेक्शन कमीशन के पास पड़ा है, मेरी वो मनी ट्रेल पड़ी है कि कब फ्लैट्स लिए, कितने के लिए, कब बेचे, पैसा पाकिस्तान कैसे आया।